हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं प्राण सर आपके साथ फिर से एक बार। आज हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम कक्षा 10 का है ये। कल तक हमने मनुष्यों में देखा था परिवहन, आज हम लोग पौधों में देखेंगे पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। तो पादपों में जो परिवहन है वो मुख्यतः दो प्रकार का है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोयम। जाइलम क्या काम करेगा? जाइलम मृदा से प्राप्त जल को खनिज लवणों का वहन करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं फिगर के थ्रू कि एक पौधा है, पौधे में क्या है, ये नीचे की ओर जड़े हैं, इसके ओर जड़, यहाँ पे क्या होता है पानी जो है, इस पानी को और प्लस खनिज लवण जो होते हैं, इस खनिज लवण को जड़ क्या करते हैं अपने साथ ऊपर की ओर ले जाते हैं, जो ले जाते हैं जड़ के माध्यम से ले जाते हैं, ये कहलाते हैं जाइलम। इनका काम क्या होता है? पानी तथा खनिज लवण को जमीन से ऊपर की ओर ले जाना, कहाँ तक? पत्तियों तक ले जाना, जहाँ पे पानी के साथ मिलकर क्या होगा, ग्लूकोज का C6H12O6 का उत्पादन करना है इसको। तो जाइलम का काम है मुख्यतः पानी तथा खनिज लवणों को ऊपर की ओर, पौधे के ऊपर पत्तियों तक पहुँचाना। दूसरा आता है फ्लोयम, पत्तियों द्वारा प्राप्त संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब फ्लोयम क्या काम करता है? पत्ती है, सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है ग्लूकोज C6H12O6। जब इसका उत्पादन हो जाता है तब ये पत्ती क्या होता है बाकी सभी जगहों तक, यानी पत्ती, तना, पौधे के अन्य टहनियों तथा जड़ के इस कोने तक, जड़ के आखिरी बिंदु तक तथा पत्तियों के आखिरी पेड़ के आखिरी पत्ती तक अपना भोजन को पहुंचाने का काम होता है। इसे पौधे का रसोई कहते हैं, यानी किचन ऑफ प्लांट भी इसे कहा जाता है। पौधे का रसोई घर, ये भोजन बना रहा है और ये सारे पौधे को तक पहुंचाने का काम इस फ्लोयम का होता है, ये फ्लोयम के माध्यम से करता है। जल की अवशोषण, जल से पत्तियों तक जल तथा विलय, यानी जल तथा विलय खनिजों लवणों को ऊपरी मुखी गति करता है। मतलब जल जब जमीन से पानी और खनिज लवण को लेता है तो ये हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा, ये हमेशा ऊपरी मुखी गति करता है। जल क्या करता है? ऊपर की ओर हमेशा ऊपरी मुखी में गति करेगा। जबकि प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का स्थानांतरण पत्तियों से शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी, मतलब दोनों दिशाओं में होता है। मतलब जब फ्लोयम का जब खाना बना रहा है ये कार्बोहाइड्रेट पत्तियों के ऊपरी मुखी, जैसे एक दूसरे फिगर से समझते हैं, ये पौधे हो गए, फ्लोयम खाना पत्तियों में बनाया, यहाँ पे खाना बना रहा है C6H12O6 का उत्पादन किया। अब इस पत्ती में खाना बनने के बाद ये आखिरी टहनी हो गया, यहाँ तक खाना ऊपरी मुखी में भी जा रहा है और नीचे जड़ों के जड़ों तक भी इस भोजन को पहुंचाया जा रहा है, ताकि जड़ क्या हो और तेज गति से वृद्धि कर सके भोजन के माध्यम से। तो फ्लोयम का दो गति होगा, दो दिशाएं होगी फ्लोयम में, एक होगी ऊपरी मुखी और दूसरी होगी अधोमुखी, जबकि जाइलम में सिर्फ एक गति होता है, ऊपरी मुखी गति करता है। यही दोनों में अंतर है जाइलम और फ्लोयम में। तो आज हमने देखा किस प्रकार से पौधों में परिवहन होता है। कल के चैप्टर में हम लोग देखेंगे मानव में उत्सर्जन, उसके बाद पौधे में भी उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।